जैसा कि हसान भाई को भी कुछ बातें नहीं पता थी और अब वो चाह रहे हैं कि काश पता होती अगर नहीं आती तो वो आपको थर्ड ईयर में नहीं जाने देंगे लाइक वो आपको रोक लेंगे और वो आप आप बेसिकली रिपीट करोगे पूरा साल होप ऑल ऑफ योर फाइन तो आज मेरे साथ हसान भाई हैं हसान भाई अपना इंट्रोडक्शन करवा दें बिल्कुल कराची पाकिस्तान से जो है मेरा ताल्लुक़ है वहीं पर ही मैंने ओ और एल एल्स करा और बायोलॉजी केमिस्ट्री फ़िज़िक्स ही मेरे सब्जेक्ट्स थे उसके बाद वही मेडिकल के लिए ऑप्शन देख रहे थे तो जो है वो इटली सीम टू बी अ गुड ऑप्शन तो फिर मैं एम बी बी एस के लिए यहाँ पे आ गया और करेंटली यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में लास्ट ताले में जो है वो सेकेंड ईयर में हूँ फिलहाल तो हसान भाई अभी आप बता रहे थे मुझे पहले कि आई की रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली हैं जी जी तो मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का उस पर बाद में आएंगे पहले ब्रीफली बस बता दें कि रजिस्टर कैसे करना है अगर कोई फ़ी वगैरह है तो वो क्या है और फिर प्रिपरेशन कैसे करें आप मुझे ये भी बता रहे थे कि कुछ डिफ्रेंसेज आए हैं इस साल तो भी थोड़े से मतलब ब्रीफली बता दें सही वो तो इस साल आई मैट सेवनटीन अक्टूबर को हो रहा है विच इज़ अनयूजल क्योंकि जो है हर साल सेप्टेम्बर में होता था लेकिन जो है वो हर साल कैम्ब्रिज जो है वो uh, आई मैट ऑर्गेनाइज करता था लेकिन इस साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है जिसकी वजह से ये डिले आया है लेकिन अब आई की रजिस्ट्रेशन भी चूँकि जुलाई में खुल जाती थी लेकिन अब चूंकि आई की एक्चुअल डेट डिले हुई है तो रजिस्ट्रेशन भी जो है वो डिले हुई है तो जहाँ तक मेरा आइडिया है तो अगस्त के अंदर जो है ना वो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी और बाकी आई का एक फॉर्मेट है जो कि के, के एक वेबसाइट पे कुछ और लिखा है दूसरी वेबसाइट पे कुछ और लिखा है लेकिन द आइडिया इज़ के बायोलॉजी के जो है वो केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के मेन क्वेश्चंस होते हैं mm. लेकिन उसमें जो है वो लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज का भी एक कॉम्पोनेंट होता है तो वो आ, उसको जो है थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है उस एग्ज़ाम को बाकी प्रेपरेशन के लिए यार आई मैट स्कूल जो है वो एक वेबसाइट है मैंने भी उसका एक ऑनलाइन कोर्स लिया था तो आई मैट स्कूल के ऊपर जब जो है ना आप जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जो आप ले सकते हैं वरना ए लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे का उनका उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है क्योंकि जो आई के जो भी टॉपिक्स हैं ना जो भी उसका सिलेबस है तो वो ए आ, जो लेवल्स और ओ लेवल्स की जो भी सिलेबस है उससे काफ़ी जो है वो मिलता जुलता है तो उसमें जो है वो लेवल्स वालों को और ओ वालों को एज मिल जाता है थोड़ा सा सही। तो बाकी आप लोगों को पता भी होगा कि इधर पॉसिबल होता है एमबीबीएस फ्री में पढ़ना भी स्कॉलरशिप पे डी तो स्कॉलरशिप पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में पढ़ें तो डी एस ई स्कॉलरशिप पे तो मैंने वैसे भी वीडियोस बनाई हैं सेम प्रोसीजर ही होता है उसी तरह आपने अप्लाई करना पोर्टल पे और इस हवाले से हसान भाई ने कोई एक महीना पहले सलमान के साथ बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो अगर आपने फ़र्दर डिटेल जानी है तो आप वो वीडियो देख लें तो इस वीडियो में अब हम मुद्दे पे आते हैं तो जितना ये बाहर से हसीन दिख रहा होता है उतना कुछ हद तक तो चलो होता है पर पूरी तरह नहीं होता कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए और इन मोस्ट केसेस नहीं पता होती जैसा कि हसान भाई को भी कुछ बातें <laughs> नहीं पता थी और अब <laughs> वो चाह रहे हैं कि काश पता होती <laughs> तो हसान भाई थोड़ा इस बारे में आप तो समझ ही गए हैं वो जी भी जी। नहीं समझे तो उन्हें भी समझाए नहीं यार ये बस जब भी हम बाहर जाने का सोच रहे होते तो स्कॉलरशिप और जो है वो एक अब्रॉड की जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ में जो है वो अच्छाइयाँ भी होती हैं और हर जगह के प्रोज़ और कॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं ना लेकिन यहाँ के जो जो थोड़े से चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो जो इटालियन लैंग्वेज का जो ख़ास तौर पे जो एम बी बी एस प्रोग्राम के अंदर जो रिक्वायरमेंट है अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूंगा विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान लास्ट ताले जो है तो उधर जो है वो चूँकि लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं ना ए वन ए टू बी वन बी टू तो उसमें जो है वो सेकेंड ईयर तक आपको जो है ना वो बी टू आपको आनी चाहिए मतलब अगर नहीं आती तो वो आपको थर्ड ईयर में नहीं जाने देंगे लाइक like, वो आपको रोक लेंगे और वो आप आप बेसिकली रिपीट करोगे पूरा साल

ओके अ गुड रूल क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है लैंग्वेज आनी चाहिए जो भी लोकल्स बोलते हैं तो लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है मतलब <laughs> मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है इसलिए बता रहा हूँ कि वो आपको फिर नहीं जाने देते और इससे सिर्फ आपका एक साल ज़ाया नहीं होता इससे आपकी जो वो डी एस यू स्कॉलरशिप है वो चली जाती है एंड द चांस टू गेट एन अकोमोडेशन एवरी ईयर वो चला जाता है तो वो फिर काफ़ी जो है ना वो भारी पड़ता है आपको क्योंकि आपका साल भी ज़ाया होता है और आपकी जो है वो फाइनेंसेस भी मुश्किल हो जाते हैं मैनेज करना और ये ज्यादा चैलेंजिंग मेरे ख्याल से इसलिए भी हो जाता है कि आप साथ स्टडीज भी कर रहे हो मेडिसिन स्टडीज तो आपको पता है हर जगह ही टफ है और बी टू <laughs> इतना आसान नहीं है मतलब ए वन पहले आप करोगे उस पर आपको एटलीस्ट छः महीने तो लगेंगे अगर आप सही से रेगुलर कह रहे हो फिर इस तरह कर करके तो स्टडीज के साथ ये टफ हो जाता है tough तो है। ये चीज़ आप माइंड में रखें और ये यूनिवर्सिटीज का भी डिफरेंस होता है तो, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में बी वन कुछ में टू इस तरह भी होगा अगर आप कुछ चार पांच यूनिवर्सिटीज आपके में आ रही है उनका बता दें उनमें दे, क्या क्या, क्या रिक्वायरमेंट है जैसे ये तो मैंने बी टू की तो अपनी यूनिवर्सिटी की बात करी ना लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल पाविया एक यूनिवर्सिटी है तो उसमें तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है फिर मेरा एक दोस्त बता रहा था कि रोम के अंदर जो सपियजा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी इटालियन की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जैसे तुरन है फॉर एग्जांपल तो उसमें वो बी वन बी टू मांगते हैं mm. और जो है वो बोलोनिया एक यूनिवर्सिटी उसमें वो बी वन मांगते हैं mm. बिकोका में भी शायद बी वन मांगते हैं तो इस तरीके से डिफ़र करता है बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो ये लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में mm. लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो आपको आ, जो यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज डिपार्टमेंट है इस्लाम वो जो है वो इटालियन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो ऑफ़र कर रहा होता है तो आप जो है वो उस कोर्स को लें और वो एग्ज़ाम्स दें तो जो है वो आप पास हो जाएंगे ये है लेकिन इसको इजी नहीं ले सकते बिल्कुल भी क्योंकि नहीं। नहीं। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफ़ी सीवियर हैं तो ये वैसे भी मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आस्ता लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ये ऐड कर रहे हैं गया क्योंकि गया। अब मेरी जो डिग्री है ना बायोटेक्नोलॉजी फॉर द बायो इकोनॉमी मैं इनरोल हुआ था इसमें ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वाले सेशन में अच्छा। तब कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उसके बाद वाले नेक्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उन्होंने रिक्वायरमेंट शुरू की है कि आप ग्रेजुएट ही नहीं हो सकते अगर आपको ए टू नहीं आती अच्छा तो मतलब इसलिए ये आप ज़रूर पता चलाएं और मिलानो भी कोका के भी मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी बता रहे थे कि हमारे भी ये हर साल ऐसे रिक्वायरमेंट्स ऐड हो रही हैं और एक दो डिग्री तो उधर भी आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई डिग्री है उसके लिए भी बी टू चाहिए नहीं तो आप ग्रेजुएट ही नहीं हो सकते तो ये शायद स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है या इस तरह हाँ। की कोई रीज़न है और या आता ऐसे आप ये भी मैंडेटरी कह रहे हैं कि आप ये नहीं कि सिर्फ इधर आ जाएं और आपको इटालियन आती ना हो एटलीस्ट लैंग्वेज आपको ग्रेजुएट होने तक आती हो ताकि बाद में आप जॉब कर सकें सिर्फ पढ़ के इधर से निकलना चाहें यही मतलब मैं जूम कर रहा हूँ मोस्टली ऐसी कोई रीज़न होगी नहीं और मेडिकल जो प्रोफेशन है जैसे क्लिनिक्स वगैरह में तो जो है ना वो मतलब इट मेक सेंस कि आपको इटालियन आती हो क्योंकि वरना वो फिर डॉक्टर्स विल बी बहुत या फिर जो पेशेंट्स हैं वो जो है ना वो बोलेंगे भाई ये क्या ये कैसे डॉक्टर हैं या कैसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको इटालियन नहीं आती तो वो डॉक्टर्स भी जो है ना वो फिर इरीटेट हो सकते हैं ना वहाँ पे तो ये यहाँ पे इनका स्ट्रिक्ट रूल है थोड़ा सा इस हवाले से अभी हमने ये बात की है कि एग्ज़ाम्स के साथ और भी मुश्किल हो जाता है इटालियन सीखना तो स्पेसिफिकली थोड़ा एग्ज़ाम्स का भी बता दें कि इधर कंपेरेटिवली कितने टफ होते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल और ये सारा क्या सीख सही होता? तो, तो एग्ज़ाम्स का तो ये सीन है यार कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर तो जो है न वो मेडिकल कॉलेज के अंदर टेस्ट होते हैं मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं या क्विज़ेस होते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो पूरे साल में ऐसा कुछ नहीं होता मतलब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आपने पढ़ाई करनी है यूनिवर्सिटी जो है ना कोई क्विज टेस्ट या मंथली एग्ज़ाम्स नहीं लेते नहीं। उस सेमिस्टर के एंड में या फिर जो है ना वो एनअल जो एग्ज़ाम होता है वो होता है बस और उसमें भी जो है ना वो अब चूँकि पूरा साल उन्होंने कोई आप पे ख़ास ध्यान यूँ यू नहीं दिया कि आप पढ़ पढ़े या नहीं पढ़े सो द इंटायर रिस्पांसिबिलिटी इज़ ऑन यू तो अब जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम्स का यहाँ पे यूं सिस्टम होता है कि आ, आपको भी शायद पता होगा कि डिफरेंट डेट्स होती हैं एग्ज़ाम की hmm. तो हमारे केस में छः अटैम्प मिलती हैं एग्ज़ाम के अंदर ना क्या आपने जो है वो जून के अंदर दो अटैम्प हैं जुलाई के अंदर दो हैं एंड सेप्टेंबर के अंदर दो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपने जो है वो आपका दिल जब है तो आप तब एग्ज़ाम दे दें लेकिन कुछ कुछ एग्ज़ाम्स फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड ईयर का एक एग्ज़ाम एक है जो कि फ़िजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर होता है तो वो अगर आपने पास नहीं करा बाई दी एंड ऑफ सेप्टेम्बर तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा सकते बिकॉज mm -hmm. वो यही बोलते हैं कि फिर जो है ना वो दिस इज़ टू बेसिक और अगर आपको फिजियोलॉजी जैसा बेसिक्स जो सब्जेक्ट है वो नहीं आता तो आप जो है वो क्लिनिक के अंदर नहीं जा सकोगे जा सकोगे लेकिन इसका एक फ़ायदा किसी किसी को पसंद भी है कि भाई मैं जो है वो पूरा साल चिल करते हैं फिर वो लोग लेकिन फिर आपने अगर पढ़ाई नहीं करी तो एंड में काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उसके बारे में तो वही फिर मतलब चैलेंजिंग तो है तो पहले ये आप सारी चीज़ों का पता चला के इधर आए कि इटालियन का ये सीन है फर्स्ट ईयर में मुझे इतनी चाहिए सेकंड ईयर में इतनी चाहिए एक और चीज़ मुझसे स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि विदाउट स्कॉलरशिप सर्वाइव करना आसान है इटली में तो मेरे ख्याल से आप इस बारे में भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ा टाइम ऐसे गुजारना पड़ा तो चलें ये भी बता दें यार स्कॉलरशिप का तो ये सीन है कि मैंने अभी आपसे भी बात हो रही थी कि मतलब जैसे यहाँ पे फूड डिलीवरी की अगर फॉर एग्जांपल बात कर लें क्योंकि स्कॉलरशिप जब नहीं होती है तो फिर आपके या तो जो है ना फैमिली बहुत अमीर है <laughs> तो एक ये हो सकता है अगर नहीं है तो फिर जाहिर सी आता है अगर आपको अपने फाइनेंस मैनेज करने तो जॉब करनी ही पड़ेगी उसके अलावा देर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन तो लेकिन अब जॉब ढूँढना अब मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना तो मैं मुझे ड्राइविंग नहीं आती है ना मेरे पास लाइसेंस है तो मैं yeah. मेरे लिए सबसे आसान जॉब क्या थी कि मैं फूड डिलीवरी कर लूँ लेकिन फूड डिलीवरी भी कह देते हैं हम लेकिन जो है ना वो एक्चुअल में क्या सीन है उसके पीछे वो किसी को नहीं पता क्योंकि यहाँ पे मेन तीन ऐप्स है ना क्योंकि चार थी लेकिन ऊबर ईट सब बंद हो गया तीन है उसमें से दो डिलीवरी और जस्ट ईट जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आपको कुछ नहीं देती नहीं। अब ग्लोवो एक लास्ट ऐप है तो उसमें जो है वो अभी फॉर एग्जांपल समर्स हैं तो उसमें तो वो एप्लीकेशन नहीं ले रहे और ग्लोवो में भी जो है ना वो अकाउंट बनने बनने में टाइम लग जाता है और तो ये कॉम्प्लिकेशनस आ सकती हैं कुछ कुछ डिफरेंट टाइप्स के भी ग्रांट्स आते भी हैं जैसे अभी इस्कॉलरशिप जिनके पास नहीं है तो इस साल यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल जो है वो एक उनकी अलग ग्रांट निकाला है कि वेयर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द रेंटल कॉस्ट्स दैट दट इनकर्ड ड्यूरिंग जो भी आपका ये 2022 2023 का जो साल रहा है ना तो इसमें जो भी आपकी रेंटल कॉस्ट है उनको ये उनके अंदर ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ग्रांट उनको मिल रही है कि जिनके पास और कोई बेनिफिट नहीं है जैसे तो कुछ बिल्कुल हाँ तो ना तो ये है लेकिन मेरा तो एडवाइस यही रहेगी कि भाई अगर आप शुरू से सीरियस रहें क्योंकि मैं मैं भी सीरियस ही था भाई मैंने कभी भी यूँ अज्यूम नहीं कर रहा था कि भाई अब मैं जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं अब जो है वो उस रिपीट करूँगा साल या जो है वो क्योंकि मेरे मेडिकल के एग्ज़ाम्स पूरे थे और मेरे साथ चार और बच्चे थे कि जिनके मेडिकल के एग्ज़ाम्स सही थे हम सारे वी वर वटेंडिंग दर्ड ईयर क्लासेज लेकिन जो है ना वो Italian का मसला हो गया और उन्होंने बोला भाई आप जा ही नहीं सकते मतलब मसला इसीलिए नहीं थे कि इतना है। ये बहुत <laughs> तो। है, बिल्कुल। नहीं, नहीं, सही बात है तो वही ये वीडियो हमने यही सोच के बनाई कि थोड़ी आपको ग्राउंड रियलिटीज़ भी दें आपको पता चले क्या मसले फेस करने पड़ सकते हैं और करने पड़ते हैं तो ये चीजें माइंड में रखें तो एंड पे हसन भाई मैं चाहूंगा कि आप कोई एक अल्टीमेटेड एडवाइस एंड पे दे दें स्पेशली चले अगर आप स्पेसिफिक रखना चाहते हैं मेडिसिन स्टूडेंट्स के लिए तो उनको दे दें या ओवरऑल कुछ भी दिस सेटअप करेंगे वीडियो तो यार आ, मेरी एक एडवाइस जो खास तौर पे जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है स्कूल के अंदर यहां पे तो मैं तो यही कहूँगा कि यार चूँकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वेयर द एंटायर इंटायर इज़ ऑन यू क्योंकि वो आपको पूरा साल असेस नहीं कर रहे होते ना तो इसमें बहुत आसान होता है कि जो है ना वो आप भटक जाओ और मैं जानता हूँ लोगों को कि और चूँकि यहाँ पे एग्ज़ाम सेशन और एग्जाम स्ट्रक्चर भी काफ़ी रिलैक्सड है कि भाई आप इस डेट को नहीं दे सकते तो जुलाई में दे दो जुलाई में नहीं दे सकते तो सेप्टेम्बर में दे दो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना उसको काफ़ी लीनियंसी के साथ जो है ना वो इस रूल को जो है ना लेते हैं तो उसमें उनके साथ मसला ये होता है कि वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम करें नहीं है और सेकेंड ईयर में चले गए लेकिन अब जब सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर में देर इज एन एग्ज़ाम जो मैंने अभी बताया फिजियोलॉजी का भी तो आपने अगर वो नहीं दिया तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा सकते और फिजियोलॉजी देने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं तो वो आपके बेसिकली एग्ज़ाम्स पाइल अप होते रहते हैं होते रहते हैं एंड इवेंचुअली यू एंड अप रिपीटिंग अ ईयर तो वो फिर आपको वो सर टाइम ज़ाया नहीं होता वो आपकी स्कॉलरशिप जाती है वो आपकी अकोमोडेशन जाती है वो पूरा आपका एक पूरा का पूरा अकैडमिक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो ये इस बात का ख्याल रखें एंड इस बात को लाइटली नहीं लें और जो है वो पढ़ाई करें भाई तो बहुत शुक्रिया सान भाई आपने टाइम निकाला।, निकाला तो सही है गुड लक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से चीजें बेहतर हो जाएंगी परेशान हो तो नहीं होना तो चलो बाकी तो आप मिलान में ही होते हैं तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे बिल्कुल और तो इनमें से भी कोई आए तो हम हमसे करें भाई बिल्कुल तो सही है सी इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़